मीटिंग शामिल होने वास्ते पहुंचे सिर्फ मंदिर के बाहर एक झड़प हुई है तो जी झड़प हुई है मंदभागी है नहीं होनी चाहिए सी लेकिन मंदिर के बाहर हुई झड़प में जोड़ा है मंदिर के हमला जोड़ा करदानिया गया और पेश किया गया ये बहुत मंदभाग है। तुम देखो कि 1984 के दहाके के दौरान पंजाब के हालात किन्ने खराब रहे ने उस समय भी भारतीय फौज ने हालांकि 35 गुरद्वारा साहबान के उत्ते हमला बोलिया सी लेकिन बदले के किसी सिख ने पंजाब के कदे किसी मंदिर के उत्ते हमला नहीं किया। सिख कदे किसी के धार्मिक स्थानों के उत्ते हमले नहीं करते होंगे। हाँ 1984 के नवंबर के पहले हफ्ते जो भारत के सिखा का नरसंहार होया उस दौरान गुरुद्वार के उत्ते हमले जोड़े वो जरूर हुए कनेडा की धरती के उत्ते मंदिर के बाहर एक छोटी जी हुई झड़प में भारतीय मीडिया ने खास तौर के उत्ते और सोशल मीडिया के उत्ते बैठे हुए शरारती अंसरां ने जोड़ा है सिखा वालों मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा वो करदानिया ये बहुत गलत है सिखा खिलाफ़ बरतान सिरजा जा रहा है। उल्टा माल्टन गुरुद्वारे के उत्ते जोड़ा है बाहर गड्डिया की भन तोड़ जी की है कुछ शरारती अंसर ने वो मंदभाग है। तो मैं समझदा कि कोई हमला नहीं है किसी मंदिर के उत्ते और ना ही सिख किसी के धार्मिक स्थान के उत्ते हमला ये मंदभाग है। जो भारत के भारत का संविधान जो है एयर इंडिया ने ऐलान दिता है एक नोटिफिकेशन जारी होया जसदार साहब एक सुनियो एक नोटिफिकेशन जारी होया है चिट्ठी राही एयर इंडिया का कोई भी मुलाजम है जोड़ा एविएशन वाला वो ना तो कृपान पा सकता ना सिरी साहब पा सकता ना ही कोई खंडे वाली चेन पा सकता ना ही इजाजत भारत का कानून भी दिता है भारत का संविधान भी दिता है। जे भारत इंडियन एयरलाइन जी है जो इस तरह की कोई हरकत करती है तो यह जरा है एक किस्म का साडा संविधानक हक भी खोया जा रहा है और साडे गुरु साहिबान ने मैं कहना जी सिखा खिलाफ बरदान सिरजा जा रहा है मंदिर के बाहर हुई छोटी जी झड़प में सिखा वालों या पूरी कौम वालों जोड़ा वो मंदिर के उत्ते हुए हमला जोड़ा वो दसिया जा रहा है यह बहुत गलत है। देखो मैं एक गल कह दिया कि श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो अकाली दल का जन्म होया सब तो वड्डा अकाली दल का जो श्रोमणी अकाली दल का जो सब तो वड्डा कस्टोडियन है वो श्री अकाल तख्त साहब है और जिहड़े यूथ अकाली दल के जिहड़े वर्कर ने या अहुदेदार ने जिवें तुसीं दस रहे हो कि अज दी मीटिंग बारे नैगेटिव पोस्टां पा रहे हैं मैं उन्हां नूं इहो ही कहना चाहुंदा है कि श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा अकाली दल का सोमा है और जो कोई भी चीज़ आपके सूबे नालों टुटती है तो वो खत्म हो जाती है जिन्ना चर श्री अकाल तख्त साहब है श्रोमणी अकाली दल का कस्टोडियन श्रोमणी अकाली दल नूं कुछ नहीं होने वाला है। श्रोमणी अकाली दल सिखां दी नुमाइंदा जमात है ये मजबूत है मजबूत रहेगी और मैं सारयां नूं ये गल जिहड़ी है दसना चाहुंदा कि जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब तों तनखाइयां सिर्फ श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह नूं ही करार दिता गया श्रोमणी अकाली दल नूं बिल्कुल नहीं। इस करके श्रोमणी अकाली दल के वर्कर श्रोमणी अकाली दल नूं मजबूत करन श्रोमणी अकाली दल दी पहली बार नहीं बुलाया जा रहा समय समय के उ मैं 5 साल श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वजह सेवा की है और मेरी सेवा दौरान भी विद्वानों के इकट्ठ जो बहुत बार बुलाए।